समीकरण है 2y + 5/3 = 26/3 ऋण के y। समीकरण हम किस प्रकार करते हैं, जो चर पद होता है उसे एक तरफ रखते हैं, बाकी संख्या पदों को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो 2y as it is, इस y को इधर लाएंगे, पक्षांतर करके ऋण y था तो ये धन के y हो जाएंगे, बराबर 26/3 था ही सही, और इसे इधर ले जाएंगे तो 5/3 धन के थे तो ऋण के 5/3 हो जाएगा। 2y और 1y दोनों ही धन के है तो जुड़ जाएंगे, 2y और 1y हो जाएंगे 3y। अब यहाँ पर हर समान है तो एक बार ही लिखते हैं, 26 ऋण के 5, तो 3y = 26 धन के हैं, 5 ऋण के हैं, 26 में से 5 गए तो बचे 21/3 था ही सही, 3 का भाग लगा सकते हैं अपन, 3 एकम 3, 3 सत्तो 21, तो क्या प्राप्त होगा, 3y = 7, y के साथ 3 गुणे में थे तो ये 7/7 में बैठ जाएंगे। यह हमारे y जो कि चर पद है, इसका उत्तर आ गया है।